किसान भाइयों, आज मक्का के फसल के बारे में आज बात करेंगे। और मक्का हमारे वैसे तो पूरे विश्व में इसकी खेती की जाती है, और शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां पर मक्का का उत्पादन ना किया जाता हो। अधिकतर देशों में, खासकर विकसित और विकसित देश में जो, और या विकासशील देशों में मक्का का जो उत्पादन होता है वो खास करके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा पशुपालन के क्षेत्रों में भी मक्का का उत्पादन बहुत किया जाता है। पशुपालन में हरा चारा के लिए या साइलेज बनाने के लिए, इस तरह की, प्लस अगर मक्का का दाना जो होता है उसको फीड के रूप में, पशुओं को फीड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पशुओं के फीड के अलावा पोल्ट्री फीड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा पिगरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इससे जो है, कई तरह के जो अल्कोहल है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, उसको भी बनाया जाता है। और कुछ एनर्जी प्रोडक्शन में भी मक्का का, जैसे फर्मेंट करके इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कॉर्न फ्लोर और फूड इंडस्ट्री में भी मक्का का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आजकल मक्का फास्ट फूड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मक्का को दो तीन तरह से उगाया, मक्का को कह सकते हैं कैटेगराइज हम दो तीन तरह की इससे कर सकते हैं। एक नॉर्मल मक्का जो हम लोग खाते हैं, जिसको हम एक पशुओं को चारा के लिए जो मक्का उगाया जाता है। दूसरा जो है वो है जो आदमी खाता है उसमें, या कंज्यूम हम करते हैं उसमें, एक दूसरा जो है वो पॉपकॉर्न है, उसके अलावा बेबी कॉर्न है। तो इस तरह से मक्का को कई भागों में डिवाइड किया जाता है और कई तरह से इसका कंजम्पशन भी होता है। तो आज जो हम मक्का के बारे में बात करेंगे, किसानों के पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आते रहते हैं मेरे को, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले किस्मों की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि किस्म ऐसी है कि मक्का का मैंने देखा है कि दो तरह की वैरायटी नॉर्मली मानी जाती है, एक देसी किस्म है और दूसरी हाइब्रिड है। हाइब्रिड किस्म जो है, मक्का का देसी किस्म है, उसका जो बीज है वो नॉर्मली किसान अपने पास ही रखता है। और अपने पास रखने का मतलब है कि उसका बीज एक जनरेशन टू जनरेशन अपने, वो अपने तरीके से उसको स्टोर करता है, फिर अगले सीजन में उसको लगाता है, उसका बीज फिर स्टोर करता है। और ऐसा माना जाता है कि वो जो मक्की है वो लंबे, मोस्टली लंबे टॉल वेराइटीज़ हैं, और इसके जो गुल्लियाँ होती है, इसके दाने का वज़न औसतन ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसका टेस्ट भी कुछ ऐसा होता है कि लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ास करके इसको आटे का चपाती वगैरह इंडस्ट्री में वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। और ये थोड़ा स्वीट भी हल्का होता है शुरुआत में जब, और इसमें नंबर ऑफ क्रॉप्स की बात अगर करें या ईयर की बात करें, जो इसके भुट्टे लगते हैं उसकी संख्या नॉर्मली मैंने देसी में देखा है कि एक से ज़्यादा नहीं लगता है। इसके जो डंठल होते हैं, जो पौधे का तना होता है, वो पतला होता है और नॉर्मल से, और इसको, इसका सीड रेट भी कुछ अलग तरीके से होता है जो आगे हम चर्चा करेंगे। जो हाइब्रिड किस्म है वो थोड़ा बौना होता है, उसकी हाइट कम होती है। पत्तों की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पत्तों की चौड़ाई ज़्यादा होती है हाइब्रिड में, और बशर्ते कि, या तुलना करें अगर हम देसी किस्म से, नंबर ऑफ लीफ भी ज़्यादा होते हैं, इंटरनोडल डिस्टेंस कम होता है हाइब्रिड में। और उसके अलावा पत्तों की चौड़ाई के अलावा पत्तों का कलर भी मैंने देखा है हाइब्रिड का, कि सेम कंडीशन में पत्तों का कलर भी ज़्यादा हरा होता है। नॉर्मली ये जो होते हैं वो कई बार क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे कि अगर तेज़ आंधी हवा में जो है वो गिरने की संभावना देसी किस्मों को ज़्यादा रहता है या ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, और जो हाइब्रिड किस्म है वो थोड़ा सही सुन होती है, उसका रूट सिस्टम स्ट्रांग होता है, और अगर सही तरीके से इसको लगाया जाए तो मामूली आंधी तूफान में ये पौधे नहीं गिरते हैं। इसका जो क्रॉप्स है वो दो से लेकर के एक, या एक से लेकर के कह सकते हैं चार तक हो सकता है, कई बार किसी किसी केस में तीन पाँच, पाँच पाँच तक भी देखा गया है, या ईयर की बात कर रहे हैं या भुट्टे की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली इसमें एक या दो, एक से कम तो नहीं होता है, एक तो होता ही है, लेकिन दो कॉमन माना जाता है कि हाइब्रिड किस्म में होता है। हाइब्रिड किस्म का बीज हम नहीं रखते हैं, जितने भी हाई सेल हैं या डबल हाई सेल है, कुछ इस तरह से करके कई वैरायटी को, हाइब्रिड्स को कैटेगराइज किया गया है। तो इसको, इसका बीज को हर साल खरीदना पड़ता है, तो किसान इसको रखते नहीं हैं।
तो आज किसानों को ऐसी सलाह भी दी जाती है कि इसका बीज आपको, लेकिन प्रोडक्टिविटी माना जाता है कि देसी की तुलना में इसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। जो देसी किस्म है वो स्वाद के अनुसार अच्छा होने के कारण, या उसका भुट्टा भी अच्छा होता है, उसके को भून करके खाने में भी टेस्टी होता है, और दाने का वजन औसतन माना जाता है कि ज़्यादा होता है, तो इसको लोग पसंद करते हैं। कई बार इसका, मोस्टली इसका जो कलर होता है वो पीला होता है, और जो रंग है वो हाइब्रिड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दाने का साइज भी थोड़ा छोटा होता है जो देसी किस्म है, और नंबर ऑफ जो 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 दानों का, जो भुट्टे का आकार है वो भी छोटा होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो, और नॉर्मली चूँकि ये लंबा होता है तो इसमें पॉलिनेशन मोस्टली, इसमें आप देखेंगे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों में मक्का में अलग होता है, मेल ऊपर होता है और फीमेल नीचे जो भुट्टे बनते हैं, तो जो परागण की क्रिया होती है, तो अगर हम इसको लगाते हैं मक्के के बीच में तो इसके देसी मक्का के ऊपर जो परागण है, कई बार इसको चांसेज रहते हैं कि इस दूसरे के परागण के, दूसरे या हाइब्रिड के पराग के कण के कारण, अगर हो सकता है कि हमारे जो एक्चुअल जो देसी किस्म है वो शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे अगले सीजन में। तो इसको लगाने के लिए वैसे सामान्यतः हम थोड़ा अलग हट के लगाते हैं, या अगेती लगाते हैं, या थोड़ा पछेती लगाते हैं। मोस्टली लोग अगेती ही लगाते हैं, समय से पहले लगा देते हैं इसको। और इसकी मोस्टली खेती जो होती है वो खरीफ के मौसम में, यानी कि जून के महीने में इसकी बिजाई कर दी जाती है। तो ये तो हम थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर की बात बता रहे थे। जो किसानों के प्रश्न आते हैं उसमें पहला प्रश्न आता है कि बीज की मात्रा कितना है। तो मैं आपको बोलूं कि मक्का में बीज की मात्रा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मक्का की बिजाई कर रहे हैं। नॉर्मली छट्टा विधि से लोग लगाते हैं पहाड़ों में, लेकिन कई जगह पे जहाँ पर हल बैल से जुताई होती है, या तो केरा विधि से भी करते हैं, इसके अलावा ट्रैक्टर के पीछे फर्रो बना करके भी करते हैं। और अब चूँकि वैज्ञानिकों की सलाह से कई बार किसान जो है इसको लाइन सोइंग भी करते हैं, तो इसका जो बीज की मात्रा है नॉर्मली एक हेक्टेयर में, यानी कि 25 कनाल में करीब करीब 20 से 22 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और एक कनाल के लिए तकरीबन अगर आप बात करें तो 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप छट्टा विधि से लगाते हैं तो कई बार 1 किलोग्राम से लेकर के 1.25 किलोग्राम बीज तक भी लोग डाल देते हैं, क्योंकि बीज अगर उचित गहराई पर ना जाए, उचित गहराई में ना जाए, तो कई बार जर्मिनेशन भी प्रभावित होता है और पौधे की संख्या कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो 800 ग्राम प्रति कनाल और करीब करीब 20 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और बीज हमारा जो है वो लाइन सोइंग अगर करें तो 800 ग्राम से कम ही बीज लगता है, ऐसा माना गया है और ऐसा देखा गया है। तो किसानों का ये मत था कि, किसानों ने जो प्रश्न किए थे कि हमें सही मात्रा कितना होना चाहिए, तो उसके अनुसार मैं तो कहूँगा कि 800 ग्राम बीज से ज़्यादा आप इसको मत लगाइए। दूसरा प्रश्न जो किसानों ने जो पूछते रहते हैं कि क्या मक्का में भी बीज उपचार करना चाहिए। तो बीज उपचार मक्का में ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए अगर सबसे पहला तो चीज़ है कि फफूंद नाशक, इस नॉर्मली हम जो बीज उपचार की बात करते हैं तो फफूंद नाशक से हम बीज का उपचार करते हैं। दूसरा होता है कि हम जो केमिकल से जो रासायनिक उपचार भी करते हैं, जैसे दीमक की समस्या अगर खेत में हो तो, या अन्य कीड़ों से बचाने के लिए जो मिट्टी में रहते हैं उनसे बचाने के लिए हमारे को शुरुआत में उससे, या उसके अलावा जैव उर्वरक का भी हम जैव जो हमारे जैविक उपचार भी हम करते हैं। तो तीनों तरह से उपचार होता है। अगर हम फंगस की बात करें तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे बीमारी जो लीफ से रिलेटेड है या पत्तों से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम बेवस्टीन, जिसको हम कार्बेंडाजिम कहते हैं, उससे बीज उपचार करना चाहिए। यानी 1 किलोग्राम बीज जो हमारे पास है उसके लिए 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या बेवस्टीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चाहें तो कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन के साथ थायरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर 2-2 ग्राम मात्रा दोनों का लेकर के, और उसका उपचार करें तो ज़्यादा कारगर होता है, ऐसा माना गया है। इसके अलावा अगर
रासायनिक उर्वरक रासायनिक जैव सॉरी बीज उपचार की बात करें तो रासायनिक बीज उपचार में सबसे पहला आता है इमीडा क्लोरोप्रिट से हम उपचार करते हैं। इमीडा क्लोरोप्रिट दवाई जो है वो कीटनाशक है और सिस्टेमिक है और इसका प्रयोग जो हम बहुत सारे सब्जी की फसलों में भी करते हैं लेकिन मक्का में भी इसका उपचार कर सकते हैं। मक्का में इससे अगर 5 मिलीलीटर करीब या 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी इसको इससे उपचारित कर सकते हैं तो बहुत सारे कीड़ों की समस्या जो है इसका समाधान इसका जो मिट्टी में लगने वाले शुरुआत में जो कीड़े होते हैं जो अंकुरण के समय पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका समाधान हो सकता है। या कई बार फॉल आर्मी बर्म के लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है कीटनाशक का इमीडा क्लोरोप्रिट से सीड ट्रीटमेंट करें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार दीमक की समस्या खेत में बहुत ज़्यादा होती है और जब मक्का उगता है उस समय ऐसा माना जाता है कि जो दीमक किस अगर खेत में है तो मक्का को सबसे ज़्यादा पसंद है तो अंकुरण होते समय इसके बीजों को काफ़ी ज़्यादा अंकुरण के समय नुकसान करता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप क्लोरोपाइरीफॉस जो दवाई आती है वो ग्रेनुअल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में भी आता है, इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में आता है, तो आप 3 से 5 ml दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बीज में अच्छी तरह से मिला करके 1-2 दिन पहले रख लें और उसके बाद आप इसकी बिजाई करें या सेम डे में भी कर सकते हैं। अब आता है कि क्या जैव उर्वरक। जैव उर्वरक में एजोस्पिरिलियम है, उसके अलावा एजिटोबैक्टर है, उसके अलावा राइजोबियम है, इससे हम या PSB है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, इससे भी हमको इसके लिए मक्का के बीज का उपचार किया जा सकता है और करना चाहिए। इनके करने से पौधों में एक तो जो उसकी जो टॉलरेंस वो है एक तरह से रेजिस्टेंट पावर वो बढ़ती है और दूसरा इसका जड़ का ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है और ये बैक्टीरिया जो हैं ये सारे जो मैंने बताए हैं ये सारे बैक्टीरिया जो है पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कई जो फास्फोरस मक्का को बहुत ज़्यादा चाहिए जो अनसॉल्युबल फॉर्म में है उसको सॉल्युबल फॉर्म में करके अवेलेबल फॉर्म में प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से जो एजिटोबैक्टर है एजोस्पिरिलियम है या PSB है या एजिटोबैक्टर है तो इसका या राइजोबियम है तो इसका उपचार हम करते हैं तो करीब करीब 5 ग्राम जो इसका पाउडर है 1 किलोग्राम बीज में के लिए ज़रूरत होता है। अगर 1 हेक्टेयर के बीज के यानी 20 किलोग्राम बीज को हम उपचार करना चाहें तो करीब करीब 500 ग्राम दवाई की आवश्यकता आपको करीब करीब होती है। तो आप इसको भी इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन तीनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कई बार किसानों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमको अगर फंगस से भी करना है बचाना है कीड़ों से भी बचाना है और जैविक से ताकि पौधे को जैविक हमको बीज उपचार भी करना है तो तीनों करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है फंगस का उपचार कर लीजिए बीज को। उसके कुछ अगले दिन या उसी दिन जब वो थोड़ा सूख जाए उपचार करने के बाद तो कीटनाशक से उपचारित कर दीजिए और तीसरी बार जो तीसरा है लास्ट में जो जैविक उपचार है जो जैविक हम मैंने आपके राइजोबियम वगैरह का बता रहा हूँ और PSB कल्चर तो इसका सबसे लास्ट में करें। तो यही सिस्टम से करें आप उपचार, यानी कि ऐसा ना करें कि पहले राइजोबियम का जैविक उपचार कर लें फिर रासायनिक कीटनाशक का उपचार करें और फिर उसके बाद फफूंदनाशक का उपचार करें। तो आप जो है सबसे पहले फफूंदनाशक का फिर कीटनाशक का उसके बाद जैविक उर्वरक का उपचार आप करें। मिनट अब कई बार प्रश्न आता है कि किसानों को पूछते हैं कि मक्का का बिजाई का समय क्या है, अगर क्या पूरे वर्ष भर मक्का की खेती की जा सकती है। तो मक्का एक ऐसी फसल है या इसका बीज ऐसा होता है कि इसमें डोरमेंसी नहीं होता है या इसको कह सकते हैं कि फोटो सेंसिटिव नहीं होते हैं, फोटो पीरियोडिक नहीं होते हैं और इसको हम जब भी लगाएँ तो ये जर्मिनेट कर जाता है, यानी पूरे वर्ष भर मक्का की खेती की जा सकती है। फिर भी हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है जिसको हम खरीफ का मक्का बोलते हैं, दूसरा जो है वो रबी का मक्का बोलते हैं और तीसरा जो हम जिसको बोलते हैं वो जायद का मक्का बोलते हैं। तो जो खरीफ का मक्का है नॉर्मली इसकी बिजाई पूरे भारतवर्ष में नॉर्थ इंडिया में इसको जून जुलाई में की जाती है, मोस्टली जून के बारिश होने से पहले या फर्स्ट सावर जो होता है मानसून का उसी समय इसकी बिजाई कर देते हैं और सबसे अच्छा माना जाता है। और ये एरिया काफ़ी 60 to 70% जो इंडिया में खेती होती है मक्का की वो इस खरीफ की ही होती है। उसके अलावा दूसरा जो है वो रबी मक्का है जिसकी बिजाई नॉर्मली
जो है ऐसे अक्टूबर में ना की जाती है, अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर में इसकी बिजाई होती है। और तीसरा जो है जो गर्मियों में लगाई जाती है, जिसको हम जायद मक्का बोलते हैं, तो ये जो रोपाई होती है वो फरवरी के लास्ट और मार्च के शुरुआत में करते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि इसके जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर भी चाहिए, उसके बारे में हम वो भी किसानों ने पूछा है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये तीन तरह से समय में मक्का की बिजाई की जा सकती है, लेकिन आप चाहें तो कभी भी मक्का की बिजाई कर सकते हैं, जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए। तो सर्दियों में खाली मक्का नहीं जम पाता है, अदरवाइज पूरे वर्ष भर अगर आप मक्का को लगाएंगे तो मक्का में जर्मिनेशन हो जाएगा, अच्छा प्रोडक्शन देगा। कई लोग इसको फोल्डर के रूप में जो यूज़ करते हैं, तो कंटिन्यूअस इसकी कलर कल्टिवेशन करते हैं। मक्का की कई सारी वेराइटियाँ हैं, जैसे अफ्रीकन टॉल वगैरह वेराइटी है जो चारे के लिए प्रयुक्त होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बता रहा था कि जो मक्का का जो बिजाई का समय है वो इस तरह से है। अगर हम मक्का लगाते हैं तो सही प्रोडक्शन के लिए, यानी सही प्रोडक्शन का मतलब है कि भरपूर प्रोडक्शन हमें हो, इसकी जो उच्चतम जो उत्पादक क्षमता है अगर प्राप्त करना है, तो हमें वैज्ञानिक ढंग से खेती तो करनी पड़ेगी। तो उसमें किसानों ने कई बार पूछते हैं इसका डिस्टेंस क्या रखना चाहिए। मक्का में नॉर्मली डिस्टेंस जो हम रखते हैं वो 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का रखते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर का मतलब हो गया करीब करीब 2 फीट। तो 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी तो आप अवश्य रखिए, और लाइन में पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखिए। तो और जब हम अगर पौधे की संख्या, जैसे मैंने बोला कि 2 फीट बाई करीब करीब 1 फीट, 20 से 25 सेंटीमीटर, 1 फीट से कम अगर हम रखते हैं, तो प्रति कनाल या प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 25 कनाल में 80 से 90 हज़ार पौधे मक्के के होने चाहिए अगर भरपूर प्रोडक्शन लेना है। तो 80 से 90 हज़ार पौधे अगर नहीं होंगे तो आपके प्रोडक्टिविटी कुछ हद तक घटती चली जाएगी। तो ये ध्यान रखिए आपको कि हर हालत में आपको मक्का जो है वो इतना कम से कम इतने पौधे की संख्या आपको निर्धारित करनी चाहिए। यानी 1 कनाल में अगर हम 1 लाख बोलें कि 1 लाख पौधे 1 हेक्टेयर में होंगे, तो 1 25 चौके 100, करीब करीब 3500 पौधे, 3000 से 3500 पौधे 1 कनाल में ज़रूर होने चाहिए अगर आप भरपूर प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। तो इससे कम संख्या होगी तो आपने कितना भी मेहनत करेंगे तो प्रोडक्टिविटी उतनी तक आप न पहुंच नहीं सकते। दूसरी बात, छटकावा विधि से जो छिड़काव करके हम छट्टा छट्टा मार देते हैं बीज का, उससे इसकी संख्या कभी भी इतनी नहीं आएगी। आप कितना भी प्रयास कर लें, या तो पौधा संकीर्ण हो जाएगा, आपस में पौधे की दूरी उतनी मेंटेन नहीं रह पाएगी। यह तभी आएगा जब आप मक्की की खेती लाइनों में लगाते हैं। अगर गहराई की, जैसे कई बार कहते हैं कि बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो बीज की गहराई 1 से 1.5 इंच, यानी 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा बीज मक्का का बीजना चाहिए। गहराई ज़्यादा होगी तो भी अंकुरण में प्रॉब्लम है, गहराई कम होगी तो कई बार अंकुरित तो हो सकता है कि अगर मिट्टी से हल्का ढका हो, लेकिन पौधे उतने मजबूत या जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो केरा मेथड करते हैं वो सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है लाइनों में बिजाई करने के लिए। लेकिन मक्की को हम जब लगाते हैं, जो कि हम खरीफ मक्का के भी बात कर रहे हैं, तो हमें पौधे की जो संख्या है उसको निर्धारित करने के लिए लाइन में सोइंग करना पड़ेगा। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि मक्का को हम कहते हैं, कई बार किसान पूछता है कि क्या आप मक्का को हम फ्लैट मतलब खेत में लगाएं, या मक्का को हम थोड़ा रेज्ड बेड में लगाएं। मक्का भरपूर प्रोडक्शन तभी देगा जब उसको आप रेज्ड बेड में लगाएंगे। रेज्ड बेड का मतलब है उठी हुई क्यारी। अब उठी हुई क्यारी जो है वो किसानों के लिए, जैसे रिज एंड फर्रो बनाने वाला जो कई ट्रैक्टर के पीछे आता है यंत्र, उससे आप नालियां और जैसे कूल बनाते हैं, जैसे आप आलू की प्लांटर की टाइप का जो बना होता है, उससे रीजर जिसको हम बोलते हैं, उससे आप लाइनें खींच सकते हैं, और उसके बाद उस पर आप हाथों से डिबलिंग कर करके इसकी रुपाई कर सकते हैं। कुछ किसानों ने प्रश्न किया है कि क्या कहा जाता है कि क्या मक्का को एक पर्टिकुलर दिशा में लगाने से उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, ऐसा कई बार कई रिसर्च के में मिला है कि मक्का का जो के लिए अगर खेत आपने तैयार किया है, तो जो नाली है या जो मेड़ है वो हर हालत में पूरब पश्चिम दिशा में बनाए आप।
तो पूर्व पश्चिम दिशा में ही मेड़ बनना चाहिए और इसकी जो बिजाई है वो दक्षिण दिशा में करें, यानी कि मेड़ के दक्षिण दिशा में आप करें। मेड़ में दो दिशाएं होती है, अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में ही आपको बिजाई करनी चाहिए। और मेड़ हर हालत में आपको जो है पूर्व पश्चिम दिशा में ही मेड़ और नाली बनानी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं इसके लिए आप लोगों को बोल, मक्का के बारे में जो प्रश्न आते रहते हैं किसानों के को पूछने के लिए, या किसान जब पूछता है तो एक किसानों के लिए मैंने सोचा कि उस तरह से किसानों को आंसर दिया जाए ताकि वो किसान मक्का के भरपूर उत्पादन लेने के लिए इन विधियों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तो मक्का के लिए पूछते हैं कि अंकुरण के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए। तो मक्का का टेम्परेचर जो दिन का तापमान है वो 18 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, लेकिन रात का तापमान भी 16 से 18 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। एक तो ये है, दूसरी बात है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान दिन में कहीं या रात में हो जाता है तो कई बार मक्का का अंकुरण नहीं हो पाता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मक्का का जो अंकुरण होता है कितने दिन में हो जाता है, कई किसानों ने यह भी प्रश्न किया है, तो इसका अंकुरण को में अगर सही टेम्परेचर रहेगा तो 5 दिन से लेकर के 10 दिन के बीच में, अगर उपचारित बीज है तो 5 से 10 दिन के अंतर्गत के अंदर ही आपका मक्का जो है वो ज़मीन से या मिट्टी से बाहर आ जाएगा। शुरुआत में तो ये लगता है कि तीसरे चौथे दिन नॉर्मली, लेकिन सही टेम्परेचर अगर 18 से 24 डिग्री के बीच में है तो टेम्परेचर पे ये इसका जर्मिनेशन करीब करीब आप मान के चलिए कि 7वें 8वें दिन आ ही जाता है। और मक्का का जर्मिनेशन जो होता है वो नॉर्मली टेम्परेचर तो रोल प्ले करता है, साथ में मॉइस्चर बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें खेत की जो मिट्टी है उसमें नमी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर है और मिट्टी में नमी नहीं है तो क्या, तो भी जर्मिनेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, अंकुरण में प्रॉब्लम आएगी। अगर बढ़वार की बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है मक्का के फसल की बढ़वार के लिए, इनकी ग्रोथ के समय 21 से 24 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसकी बढ़वार बहुत अच्छी मानी जाती है। तो किसान भाइयों, अंकुरण की बात मैं कर रहा था, और मक्का के लिए उपयुक्त खेत की बात करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि कौन सा खेत मक्के के लिए ठीक रहेगा। मक्की के लिए ऊंचा जो खेत होता है, नॉर्मली ऊंचा खेत का मतलब है कि जिसमें पानी का जमाव ना हो। मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन पानी ही है। अगर ज़्यादा नमी होगा, ज़्यादा पानी खेत में एकत्रित कुछ घंटों के लिए भी हो जाए तो मक्के का तना सड़ने लगता है। इसको एरोबिक कंडीशन चाहिए, यानी कि हवादार मिट्टी चाहिए। मिट्टी सख्त हो, लेकिन सख्त के अलावा मिट्टी में हवा और पानी का एक पर्टिकुलर अनुपात होता है इसके जड़ के ग्रोथ के लिए। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको मिट्टी में जो मक्का है उसको, उसमें इसके जड़ में नमी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि रेज्ड बेड जो हम लगाते हैं, अगर बारिश में पानी, बारिश भी होती है तो नालियों के द्वारा पानी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और जड़ को, इसके जड़ को कभी भी एनएरोबिक कंडीशन यानी अहवा वायु वाला जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट नहीं होगा, यानी इसमें इसका मिट्टी हवादार बना रहेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, मेरा कहना ये है कि मिट्टी जो है वो, खेत जो है वो ऊंचा होना चाहिए। खेत में जिस खेत में आप मक्का की खेती कर रहे हैं उसका जल, उसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए। और मिट्टी की अगर टाइप की बात करें तो ये मक्का सभी तरह, बलुई से लेके बलुई चिकनी, बलुई दोमट, दोमट या चिकनी दोमट, सभी प्रकार के मिट्टी में मक्का की खेती की जाती है। लेकिन नॉर्मली माना जाता है कि चिकनी जो है, बलुई चिकनी या बलुई दोमट मिट्टी है इसके लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा अगर पीएच की बात करें तो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में पीएच, जो न्यूट्रल पीएच जिसको उदासीन बोला जाता है, जो ना अधिक अम्लीय होता है ना अधिक क्षारीय होता है, वो पीएच मान सबसे उपयुक्त होता है। तो किसान भाइयों, ये भी ध्यान रखिए आप कि मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। मिट्टी की जांच और पीएच से बहुत कुछ पता लग जाता है। तो किसान भाइयों, इसको मिट्टी की जांच के बाद ही फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेशन आप इसमें दीजिए। किसान भाइयों, मक्का को जैसे कई बार हम मिश्रित क्रॉप के रूप में लगाते हैं, जैसे मल्टी क्रॉपिंग लगाते हैं, मान लें इंटरक्रॉपिंग वगैरह, जैसे मोस्टली कौन कौन सी फसल है इसके साथ लगा सकते हैं, जैसे उसके बाद उर्द है, सोयाबीन है, मूंग है,
या जो है लोबिया है, इनकी खेती मक्का के साथ कर सकते हैं। और लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मक्का की एक लाइन ना लगाएं, एक लाइन के बाद दलहनी फसल ना लगाएं, कम से कम मक्का की 4 लाइनों के बाद ही आप दलहनी फसल या जो भी आप इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं उसको लगाएं, फिर 4 लाइन मक्के की लगाएं, फिर उसके बाद इंटरक्रॉपिंग। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मक्का में परागण होता है। परागण जो है वो एक पौधे जब लाइन में लगे होते हैं तो परागण के कण जब तक उसके भुट्टे के ऊपर जो बाल जैसे होते हैं जिसको सिल्क बोला जाता है नहीं गिरेगा तो उसमें दाने बढ़िया नहीं बनेंगे। तो ये मक्का जब हम लगाते हैं तो इसके एक दूसरे के परागण, एक दूसरे के हवा जब चलती है तो एक दूसरे के परागण एक दूसरे के भुट्टे के ऊपर गिरता है। तो ये संख्या कम से कम 4 लाइनों का मानना जरूरी है। अगर 4 लाइन से कम लगाएंगे तो हो सकता है कि पौधे का ग्रोथ हो लेकिन उसमें भुट्टों में दानों की संख्या कम हो। तो ये किसान भाइयों ज़रा ध्यान रखिए कि जब भी आप इंटरक्रॉपिंग करें तो सिंगल रो मक्का का नहीं लगाएं, कम से कम 4 लाइनें, उसके बाद दूसरी फसल, फिर 4 लाइनें, फिर दूसरी फसल, ऐसा ही करें। ऐसा करने से आपका मक्के का प्रोडक्शन भी बढ़िया होगा। जो परागण बहुत ज़रूरी है मक्का के लिए क्योंकि मेल और फीमेल डिफरेंट पार्ट में एक ही पौधे में होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि मक्का को कभी छायादार स्थान में नहीं लगाइए। छाया में इसके पौधे जो हैं वो लंबे हो जाएंगे, इसमें छलियाँ जो बनेगी उसमें दाने नहीं बनेंगे। और कई बार मेल और फीमेल की मैच्योरिटी अलग अलग होती है तो उसके बाद परागण में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए छायादार स्थान में मक्के की खेती कभी ना करें, ये ध्यान रखें आप। अगर खाद एवं उर्वरक की बात करें मक्का में, तो खाद और उर्वरक जो है वो मक्का के लिए वैसे तो नॉर्मली आजकल साइंटिफिक तरीका चल पड़ा है कि मक्के की मिट्टी जिस मिट्टी में आप लगाते हैं तो साल में 1 या 2 बार ज़रूर आप, 1 बार या 2 साल में 1 बार आप मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। लेकिन नॉर्मली ब्लाइंड रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो मक्का जो है मिट्टी से जो जो पोषक तत्व लेता है उसके अनुसार अगर मान करें तो 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको गोबर की खाद अवश्य डालनी चाहिए। 1 हेक्टेयर की मैं बात कर रहा हूँ जो 25 कनाल के बराबर होता है। वहीं नाइट्रोजन की मात्रा जो है करीब करीब 150 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग अवश्य करें और 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर, उसके अलावा 60 ही किलोग्राम करीब करीब म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटास की बात करें पोटास, और उसके अलावा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बहुत ज़रूरी है। इसको आजकल जिंक की कमी बहुत जगह पाई गई है तो जिंक सल्फेट करीब करीब 1 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से अवश्य मिट्टी में मिलाएं। इसमें से गोबर की खाद को अंतिम जुताई के समय, नाइट्रोजन की वैसे तो बोला जाता है कि 1/3, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि 5 भाग में नाइट्रोजन देना चाहिए। तो दूसरी जो है 1/5 भाग जो है वो जुताई के समय डालें, उसके बाद फास्फोरस की पूरी मात्रा जो 60 किलोग्राम है और उसी तरह पोटास की पूरी मात्रा 60 किलोग्राम प्लस 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, इस सभी को अंतिम जुताई के समय मिला करके खेत में मेड़ बना दें। इसके अलावा कई बार कहा जाता है कि नाइट्रोजन की शेष मात्रा को क्या करें, तो जब हम पहली गुड़ाई करते हैं 15 से 20 से 25 दिन बाद, उस समय नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। दूसरा डोज जो 1/3 भाग यहाँ पर डालिए, उसके अलावा जब 8 से 10 पत्ते आ जाते हैं तब 1/3 डालिए। दूसरी गुड़ाई के समय जो 45 से 50 दिन के बाद आती है, और तीसरा जो जो जब छलियाँ बनने लगती है या सिल्क बनने लगते हैं ऊपर, टेसल भी बनने लगता है ऊपर जो जिसको हम बोलते हैं मोरी बनना, तो मक्का में जब ऊपर फूल निकलने लगते हैं और नीचे वो सिल्क निकलने लगते हैं या भुट्टे बनने लगते हैं, उस समय भी नाइट्रोजन को देना ज़रूरी है। पौधे मक्का ही एक ऐसा फसल है जिसको नाइट्रोजन को हर समय देना आवश्यक हो जाता है। मतलब हर समय का मतलब कि पूरी लाइफ में इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए अच्छे प्रोडक्शन के लिए, जबकि अन्य फसलों में फर्स्ट नाइट्रोजन को हम 3 भाग में देते हैं तो उसी तरह, लेकिन इसमें 4 से 5 भाग में अगर करके हम नाइट्रोजन को दें तो ज़्यादा फायदा होता है ऐसा माना गया है। लेकिन जिंक सल्फेट वगैरह जो है इसको चूंकि, और फास्फोरस और पोटास है जो बीज और जड़ बनने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी मात्रा को शुरुआत में ही दें। अगर हम बर्मी कंपोस्ट की बात करें, कई बार किसी बहुत सारे किसानों के पास बर्मी कंपोस्ट बहुत अधिक मात्रा में होता है,
तो बर्मी कंपोस्ट जो है 80 क्विंटल, करीब करीब 80 क्विंटल, यानी कि एक हेक्टेयर में आप बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग गोबर की खाद की जगह कर सकते हैं। और कई लोग जो मक्का की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, वो ग्रीन मैन्यूरिंग भी करते हैं। हरी खाद पहले जो है हरी, जैसे बहुत सारे ऐसे जो हैं क्रोटोलेरिया, जंसिया है जैसे, तो हरी खाद का की बिजाई करते हैं, और 20-25 दिन के बाद जब उस करीब घुटने भर की या उससे थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, और उसके 15 से 20 दिन के बाद मक्की की बिजाई करते हैं। तो आप हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको मक्का में नॉर्मली जो हम जितने भी मक्का, जितनी भी वैरायटी हम लगाते हैं मक्का में, उसमें एजेटोबैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप जैव उर्वरक की बात करें, तो करीब करीब 10 से 15 किलोग्राम जैव उर्वरक प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिला देना चाहिए शुरुआत में ही। ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। में अगर हम गुड़ाई की बात करें, तो मक्का की गुड़ाई जो है वो 2 बार कम से कम जरूर करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। 120 से 125 दिन बाद गुड़ाई कीजिए, और दूसरा 40 से 45 दिन बाद। मक्का नॉर्मली 60 से 80, 60 से 75 बोल लीजिए, 75 से 100 दिन की फसल हो जाती है। कई बार कई ऐसी किस्में भी हैं जो 110 दिन भी ले लेता है। नॉर्मली 75 से लेकर के 120 दिन की फसल हो जाती है। तो आपको 2 गुड़ाई हाथ से ज़रूर करनी चाहिए मक्का में। और मक्का की गुड़ाई करने से इसके जो जड़ का जो विकास होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती है, ज़्यादा पोषक तत्व तो उसको लेने में आसानी होती है। और कभी कभी अगर बारिश कम हो, तो पौधे अब नीचे से, जैसे नमी नीचे के भाग में होती है, वहाँ से वो उसको ले सकता है। कई बार आप मक्का के बारे में सुना होगा, बहुत सारे प्रश्न करते हैं लोग कि कई बार मक्के में एक छल्ली लगती है या एक भुट्टे लगते हैं, कहीं में 2 लगते हैं, कहीं में 4 लगते हैं। तो नॉर्मली देखा गया है कि अगेती मक्का अगर आप लगाएंगे, तो उसमें भुट्टे की संख्या कम होती है। और अगर पछेती मक्का लगाएंगे, उसी किस्म को अगर पछेती लगाएंगे, थोड़ा लेट लगाएंगे, तो उसमें नंबर ऑफ भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है। तो कई बार टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है, और ज़्यादा अगेती लगाने से कई बार नुकसान भी होता है। लेकिन कई कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसे कीड़े हैं जैसे फॉल आर्मी वर्म है, इसमें रिकमेंड की जाती है कि थोड़ी अगेती बिजाई कीजिए या थोड़ा पछेती बिजाई कीजिए। तो डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली माना जाता है कि ये जो है किस्मों के कारण भी होता है। किस्मों की भी अपनी गुणवत्ता होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मक्का में जो है नॉर्मली 2 छल्ली ही होती है सामान्य रूप से 2। और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ छलियाँ बन रही है, उसमें भुट्टे बन रहे हैं, तो कई बार उसमें दाने की संख्या भी कम होती है। कई बार लोग कहते हैं कि मक्का में जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का, मक्का के फसल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं, या कई बार रिकमेंड भी की जाती है। मक्का की फसल में जड़ सड़न रोग जो होता है, जिसमें जड़ें सड़ती हैं, और अगर आप उस खेत से होकर आप गुजरेंगे, तो एक सड़ी हुई सड़ांध की तरह, जिसको बोल सकते हैं, गंध आती है। और ये निशानी है कि उसमें जड़ सड़न रोग लग चुका है। उस कंडीशन में आप ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। करीब करीब 700 500 से 700 ग्राम प्रति कनाल, यानी करीब करीब 16 से 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप ब्लीचिंग पाउडर को खेतों में आप इसके मतलब मिट्टी में डाल सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो पाउडर फॉर्म में होता है, आप उसमें रेत मिला करके भी आप मिट्टी पे डाल सकते हैं, या उसको हाथ के द्वारा भी बुरकाव कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन एक और भी होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करने से अगर आपके खेत में निमेटोड की समस्या है, तो वो कम हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन कम ही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, रिकमेंडेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा कई बार ये भी देखा है कि नाइट्रोजन जो बहुत जल्दी खेत से ख़त्म हो जाता है, उसको भी, या लीच आउट हो जाता है, उसको भी रोक के रखता है। तो ब्लीचिंग पाउडर मक्का के फसल के लिए रिकमेंड किया हुआ है। और इसको आप प्रयोग जो पत्ते जो जड़ सड़न रोग लगता है, या तना सड़न रोग जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का में खरपतवार नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या है। नॉर्मली तो वैसे मैंने बोला कि 20 से 25 दिन के बाद आपको एक गुड़ाई करनी चाहिए, 40 से 45 दिन बाद दूसरी गुड़ाई करनी चाहिए। कई बार लेबर की समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो है वो
केमिकल के ऊपर, खरपतवार नाशक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो मक्का बिजाई करने के बाद 1 किलोग्राम जो है एट्राजीन और साथ में आप करीब पेंडीमिथलिन या सीमाजीन जो भी है आपके पास, उसको प्रयोग आप कर सकते हैं। उस जैसे बिजाई होता है, बिजाई के 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर इसका स्प्रे पूरे खेत में आप कर दीजिए, तो खेत में कोई भी घास नहीं आएगा। कई बार फार्मर का रिकमेंडेशन भी मैंने देखा है कि अगर एट्राजीन के साथ पेंडीमिथिलिन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला करके अगर छिड़काव किया जाए तो घास बिल्कुल ही नहीं आते हैं। तो एट्राजीन बहुत पुरानी जो खरपतवार नाशी है, इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर पोस्ट इमरजेंस की हम बात करें कि घास भी उग रहा है, मक्का भी उग रहा है और फिर खरपतवार निकालना और हमारे पास लेबर की कमी है, तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स हैं जो टेम्बोट्रियोन है या एक और है जिसका नाम है और टोप्रामाइजोन, तो ये दोनों हर्बिसाइड्स हैं जिसको इसका केमिकल नेम है। एक्चुअली में ये लॉर्डिस वगैरह के नाम से आता है। बहुत सारी कंपनियां UPL भी निकालती है, बायर भी निकालती है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मक्का के खेत में पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड जो है उसका यूज़ करने के लिए सलाह देती है। और इसमें जो एक डब्बा आता है उसमें आपने देखा होगा कि इसमें 3 चीज़ें होती है, सर्फेक्टेंट भी होता है जो चिपकने वाला होता है, उसके स्प्रेडर भी होता है, साथ में नाइट्रेट होता है कुछ, और उसके अलावा एक केमिकल होता है, और इसमें चौड़ी पत्ती और पतले पत्ती दोनों को ख़त्म करने की क्षमता होती है। और ये मक्का को छोड़कर जितने भी फसल है, जितने भी घास खरपतवार है, सबको समाप्त कर देता है। तो नॉर्मली 25 से 30 दिन के बाद इसका अगर प्रयोग ही करना है पोस्ट इमरजेंस का, तो समय से प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा कारगर होगा, आपके मक्के की फसल के लिए भी ठीक होगा। जितना कम घास आपके खेत में होगा और जितना जल्दी इसको समाप्त कर देंगे या रोक के रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो मक्का के लिए ये जो हर्बिसाइड्स हैं इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बोला एट्राजीन और पेंडीमिथिलिन दोनों को मिला करके अगर प्रयोग करें तो ये भी बहुत ही कारगर है। पूरे जो क्रॉपिंग पीरियड है एक तरह से 120 दिन का, उसमें घास होता ही नहीं है। मैंने कई अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये घास को उगने ही नहीं देता है और काफ़ी दिनों तक कंट्रोल लगता है, लेकिन सही तरीके से इसका छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। और जो टेम्बोट्रियोन या के बारे में बात किया मैंने, जैसे लॉर्डिस वगैरह है जो बाज़ार में आता है, तो 1 एकड़ के लिए है, तो आप उस पर लिखे हुए जो लिफलेट्स होते हैं उसको पढ़ करके उसके अनुसार इसका छिड़काव करें। और मक्का में पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी तो आ चुका है, इस जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, इससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में भी कमी आई है और लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है, लेकिन अल्टीमेटली केमिकल है तो किसी न किसी रूप में हमारे खरपतवारों को भी पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। तो लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए, जब भी आप अगर आपके पास लेबर की कमी नहीं है या छोटे खेतों में आप मक्का की खेती कर रहे हैं, तो आप निराई गुराई पे भी आश्रित रहें। उस निराई गुराई करने से इसका हवा का संचार मिट्टी में ज़्यादा बढ़िया होता है, और इसका प्रयोग करने के बाद अगर ये जो मतलब जो आप करेंगे गुड़ाई निराई गुड़ाई, इससे पौधे की मजबूती भी आती है, न्यूट्रिएंट का जो है वो अब्जॉर्प्शन पौधे के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से होता है अब्सोर्प्शन, और पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। हम आपको कुछ मक्का उत्पादन के जो हम पोषक तत्व देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक जैसे मैंने बताया, इसके अलावा तो इनकी कमियों के लक्षण कई बार लोगों को समझ में नहीं आते या लोगों को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो मैं तो सबसे पहले बात करूंगा नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण आपको सबसे पहले पौधे के निचले पत्तों में आएगा, ये ध्यान रखिए। नीचे वाला पत्ता हल्का पीला और या हरापन पीला लिए हुए, और ऊपर का पत्ता जो है वो पूरा ज़्यादा काला या ज़्यादा हरा लिए हुए होता है, ये लक्षण पहले हैं। उसके बाद ज़्यादा अगर कमी हो जाएगी तो इसके सिरे से भी ये आकार का जो पीलापन शुरू हो जाएगा पत्तों में, निचले पत्तों में ही भी आकार का इस टाइप से आगे से इस तरह से आपको लगेगा कि भी आकार में इसमें पत्ते में पीलापन आ रहा है या सूख रहा है, इसके किनारे कई बार सूखने लगते हैं।
तो नाइट्रोजन जो मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन मक्का को पूता उम्र जब तक कि दाने बन नहीं जाते हैं या कटा बनने तक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इसको आपने ज़्यादा डोज नहीं देना है, लेकिन आपने इसको अगर 5 से 7 भाग में बांट करके अगर आप इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिस समय रोपाई करते हैं या बिजाई करते हैं उस समय जो भी मात्रा 150 किलोग्राम मैंने नाइट्रोजन बोला 1 हेक्टेयर में, उसका 1/10 भाग करीब 15 किलोग्राम आप बिजाई के समय डालें, फिर दो पत्ते आने के समय जब पहली निराई गुराई करते हैं उसके बाद 6 से 8 पत्ते आने के बाद, इसके बाद आपने उसमें जब ग्रोथ के समय 1 बार डाल सकते हैं। उसके अलावा जब ऊपर जो सिट्टे निकलने लगते हैं जिसको हम बालियां बोलते हैं और नीचे जो सिल्क निकलने लगते हैं उस समय प्रयोग करें, मक्के में दाना बनते समय प्रयोग करें, और दाने जब मजबूती दाने में जब दूध फॉर्मेशन हो जाता है और दाना सॉलिड होने लगता है उस समय भी नाइट्रोजन का प्रयोग करें। यानी कि कम से कम 5 से 7 भागों में बांट करके इसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो मक्का का जो प्रोडक्शन है काफ़ी हद तक सुधार होगा। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कभी ऊपर वाले पत्तों में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो नीचे वाले पत्तों में आएगा और नीचे से ऊपर की तरफ पीलापन होता चला जाएगा। अगर ज़्यादा कमी होगी, ज़्यादा लंबे समय तक कमी होगी तो ये लक्षण दिखेंगे। अल्टीमेटली पत्तों के किनारे इसमें जलने लगते हैं, और इसको नाइट्रोजन का तो असर ऐसा है कि जब आप नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं तो इसका 24 घंटे के अंदर पौधे के रंग में रंग रूप में आपको बदलाव दिखेगा। तो नाइट्रोजन क्विक रिस्पॉन्स जो माना जाता है फर्टिलाइज़र है, और नाइट्रोजन का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया वगैरह करते हैं, उसके अलावा आजकल तो जो नैनो फर्टिलाइज़र आता है, नैनो यूरिया आता है, उसका भी प्रयोग करीब 3 से 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव आप मक्का के ऊपर, तीन ही शुरुआत के कमज़ोर छोटे पौधे हो तो कम मात्रा में कीजिए, उसके बाद इसको 5 ml तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं 1 लीटर पानी में मिला करके। कोशिश कीजिए कि खुले धूप में करें ताकि पौधों के द्वारा अवशोषित हो जाए। शाम के समय करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है जब नमी थोड़ी रहती है, और रात जितना समय तक पत्तों के ऊपर रहेगा वो अच्छी तरह से जल्दी सूखे ना, अवशोषित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण से कारण कई बार दाने भी सॉलिड नहीं बनते, पौधे का हरापन नहीं बनता है, पौधे फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं कर पाते हैं, और पौधा जो है कमज़ोर दिखता है, आपका खेत अलग दिखेगा, पत्तों की चौड़ाई कम हो जाएगी, पत्ते पीलापन लिए होंगे, और पत्तों में पौधों में जान नहीं रह जाता है, दाने की संख्या भी कम हो जाती है, क्रॉप्स की संख्या भी कम हो सकती है, नंबर ऑफ जो ईयर बोलते हैं जिसको हम मक्का छल्ली बोलते हैं वो भी शायद 2 की जगह 1 बने। तो कम स्ट्रॉन्ग पौधे और अधिक उत्पादन के लिए नाइट्रोजन का देना जरूरी है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के कमी के लक्षण जो आपको है, पत्ते ज़्यादा काले दिखेंगे, पत्ते का में एक पर्पल कलर जो है जिसको हम बोल सकते हैं पर्पल रंग आने लगता है, बैंगनी कलर जिसको बोलते हैं, और पौधे में जड़ों का विकास थोड़ा घट जाता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती है। तो पोटेशियम फास्फोरस की कमी होने पर ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा पौधा जो है डार्क ग्रीन हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको फास्फोरस नॉर्मली हम फास्फोरस में शुरुआत में बिजाई के समय ही हमको डालना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम पोटाश की कमी के लक्षण बताएं तो पोटाश की कमी से पत्तियां जो है वो आपने देखा होगा कि नीचे की पत्तियां, क्योंकि ये फास्फोरस की कमी भी जो है पूरे पौधों पे आता है, नॉर्मली ये नीचे के पत्तियों से शुरू होता है, उसी तरह पोटाश की कमी के लक्षण भी आपको नीचे के पत्तियों से शुरू होगा, और पत्तों के मार्जिन जो है वो पीले पड़ेंगे, जलने लगेंगे, और अल्टीमेटली हो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी पत्तियां जलने लगती है। तो पोटेशियम की कमी से भी पौधों में पौधे के पत्तों का पत्ते जो है वो जलने लगते हैं, पीला होने के बाद सूखने लगते हैं। तो पोटेशियम का जो निर्धारित मात्रा है वो जुताई के समय अवश्य डालें, बैलेंस फर्टिलाइज़र आपको मक्का में देना बहुत आवश्यक है। अब जिंक की कमी के लक्षण देखेंगे तो आपने देखेंगे कि मक्का में कई बार जिंक की कमी होती है, और जिंक की कमी से पत्तियों पे धारियां जो है वो दिखने लगती है, उसकी जो सिराएं होती है वो धारियां दिखने लगेगी, पत्तियां इंटरनोडल डिस्टेंस जो है जो गांठों के बीच की दूरी है वो छोटी हो जाती है, पौधे का आकार छोटा रह जाता है, और पौधा लगता है जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, बढ़वार इसकी रुक गई है, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो कई आजकल बहुत सारे मिट्टियों में जो है, मिट्टी में कह सकते हैं कि जिंक की कमी पाई गई है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि 20 से 25 किलोग्राम या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग आप ज़रूर करें।
मैग्नीशियम की कमी की अगर हम बात करें तो ये ऊपर के पत्तों में भी इसके लक्षण नज़र आते हैं, नीचे के पत्तों में भी लक्षण नज़र आते हैं। ऊपर के जो पत्ते होंगे वो पीलापन ज़्यादा हो जाएगा, नीचे के पत्तियों में भी कई बार पीलापन आने लगता है, लेकिन मोस्टली जो है छोटे पौधों में इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि ऊपर का पौधा जो ऊपर का पत्ता जो है वो हल्का पीला होने लगता है और उसमें ग्रीन जो रंग है, जो हरा रंग है, उसमें कमी आने लगती है। और मैग्नीशियम के ज़्यादा कमी अगर हो जाए तो पत्तियों के किनारे झुलसने लगते हैं या सूखने लगते हैं या वो उसमें लालीपन, लाल रंग का अपीयरेंस शुरू हो जाता है, दिखने लगता है वो। तो मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का आप प्रयोग करें। और मक्का में ये सभी जो न्यूट्रिएंट मैं बता रहा हूँ इनके लक्षण बहुत अस्पष्ट दिखाई देते हैं, तो आप अगर ध्यान से इनको अगर देखेंगे तो किस न्यूट्रिएंट की कमी है वो आपको साफ पता लग जाएगा। अब हम कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम की कमी मक्का में बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि मक्का में कैल्शियम की कमी है। लेकिन अगर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो पौधे का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा, पौधा कमज़ोर हो जाएगा और इसमें पीलापन तो नहीं आता है लेकिन पौधों का इंटरनोडल डिस्टेंस, जो गांठ से गांठ की दूरी है, वो कम हो जाती है, इसका जो बढ़वार कम हो जाएगा और पत्ते जो है वो गुच्छे रूप में निकलेंगे। उसके अलावा अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर के लक्षण जो हैं वो नाइट्रोजन से विपरीत, यानी कि इस नाइट्रोजन में जहाँ नीचे वाले पत्ते जो हैं वो पीले होते हैं, वहीं सल्फर की डिफिशेंसी या गंधक की कमी हो जाए तो ऊपर वाले पत्ते पीले होने लगते हैं। तो बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है और उसमें भी पत्ते कई बार जलने लगते हैं ऊपर के पत्ते पीले होकर के। गंधक जो है वो कई बार नाइट्रोजन के अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है, तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा या जिंक भी है नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध करवाता है तो दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए। गंधक को भी माना जाता है कि अगर कमी होगी तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, इसलिए गंधक। लेकिन अगर ज़्यादा ना गंधक की कमी होगी तो पौधे का ऊपर वाला भाग जो है वो पीलापन लिए होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मैंगनीज की कमी के लक्षण भी, बोरोन के कमी के लक्षण भी, मॉलिब्डनम के कमी के लक्षण भी मक्का में कई बार देखने को मिलता है। तो किसान अगर इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखे तो इनके लक्षण भी आपको स्पष्ट नज़र आएंगे, लेकिन ये माइनर एलिमेंट्स हैं। आप अगर चाहें तो जो हम गोबर की खाद या केंचुआ खाद हम देते हैं उससे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और इसके बहुत ज़्यादा लक्षण पौधों पर नज़र नहीं आते हैं। तो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। मक्का के लिए खास करके 100 दिन की क्रॉप होने के कारण जो पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं वो दो रूप में होते हैं, एक तो होता है अवेलेबल फॉर्म में, एक होता है अनअवेलेबल फॉर्म में। अवेलेबल फॉर्म में होता है तो पौधे को वो आसानी जड़ के पास होने के बाद वो पौधा जड़ के द्वारा अवशोषित होता है। अनअवेलेबल फॉर्म में है तो इसीलिए कहा जाता है कि जैविक खेती जो हम बात करते हैं उसमें क्या होता है कि अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट को अवेलेबल फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो यूज़फुल बैक्टीरिया हमारे ज़मीन में होते हैं। तो इसलिए नॉर्मली खेत में अगर नमी नहीं होगी तो इन बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा कम हो जाता है या कम ही हो जाता है और पौधे को जो न्यूट्रिएंट है वो सही तरीके से नहीं मिलते हैं। अगर हम सिंचाई की बात करें तो मक्का में चूँकि खरीफ की फसल हम लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मक्का थोड़ा ऐसा तो नहीं कह सकते हैं बट ये जो है वो जो स्ट्रेस टॉलरेंट है, वाटर अगर पानी की कमी भी हो जाए तो थोड़ी बर्दाश्त करता है बहुत जल्दी, ये सूखता नहीं है। उत्पादन भले घट जाए तो लेकिन बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इसको होती नहीं है, एक सीमित मात्रा में सिंचाई, फ्रिक्वेंट इरीगेशन चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए, अधिक पानी होने पर जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो किसान भाइयों इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। मक्का के खेत में वैसे तो कई तरह के कीट लगते हैं, बीमारियों की चर्चा तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बीमारियाँ जो स्टेम रॉट है उसी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर कीड़े की बात करें तो एक महत्वपूर्ण कीट है जो आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है, वो है फॉल आर्मी बर्म। फॉल आर्मी बर्म एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है कि ये बाहर से अमेरिका से आया हुआ एक तरह से कीड़ा है और ये हमारे मक्के की मेन स्टेम है उसी को नुकसान पहुंचाता है, पत्तों के ऊपर कम पा करके वो बीच वाले सेंटर पोर्शन में ही रहता है और इसके जो लार्वा होते हैं वो
जो प्यूपा होते हैं वो ज़मीन में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो इसके लिए इसके बाद ये बहुत दिनों तक एक सीज़न से लेकर दूसरे सीज़न तक चले जाते हैं और हमें पता नहीं लगता है। इसलिए कई बार हम जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते हैं, लगातार खेती करते हैं, तो इनके जो प्यूपा हैं वो मरते नहीं हैं। और लार्वा जो है वो फीडिंग का काम करता है, जो लार्वा फीडिंग जब करता है तो ये बीच वाले भाग को खा कर के और आपको साफ नज़र आ जाएगा कि इसका एक्सक्रीटा पौधे के पास गिरा रहता है या उसके पत्तों को खाता है। तो उस कंडीशन जो सबसे कोमल भाग जो पौधे का होता है उसी को नुकसान करता है, तो पौधे में फिर जो छल्ली है वो बनने की समस्या खत्म हो जाती है, होता है बनता ही नहीं है उस कंडीशन में। तो इसको शुरुआत में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो शुरू में बोला कि इसको इमिडाक्लोरोप्रिट से बीज को उपचारित करके लगाएं। दूसरी बात, आप नीम के तेल का प्रयोग करें। नीम का जो 10,000 PPM का इमल्सन आता है या लिक्विड में आता है वो, उसका अगर शुरुआत से ही 10 से जैसे पौधे लगाए निकलने लगते हैं उस समय से लेकर के कम 40 से 45 दिन तक में, अगर आप 5 से 7 स्प्रे नीम का लगातार करते रहते हैं अगर बारिश को देखते हुए, तो मैं बताता हूँ कि ये बिना किसी केमिकल के जैसे के कंट्रोल से भी ये कंट्रोल हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है। या आपको यह इसमें कीड़े मारने की क्षमता तो नहीं होती है, लेकिन कीड़ों को पौधे से दूर रखता है। दूसरी बात, अगर कई बार ये ज़्यादा समस्या हो जाती है, अगर शुरुआत में आपको लगे कि एक दो पौधों पे ऐसा आया है, तो जो मिट्टी का डस्ट होता है, मिट्टी को जो पाउडर मिट्टी जो सूखी मिट्टी होती है उसको पाउडर फॉर्म में करके और उसका जो धूल है उसको बीच में मक्की के सेंटर में आप अगर डालें तो कीड़े के लिए नुकसानदेह होता है, वो उसको खा नहीं पाता और वहाँ से निकल जाता है। तो ये भी बचने का एक तरीका है। इसके अलावा मिट्टी में ही नीम का तेल मिला करके उसको थोड़ा सा जो सूखी मिट्टी है उसमें नीम का तेल में डाल करके उसको अच्छी तरह से सूखे टाइप में, ज़्यादा गीला मत कीजिए ताकि छट्टा लग सके। और मिट्टी मक्के के छोटे पौधे से लेकर के, यानी जब 10 दिन 15 दिन का पौधा हो तब से लेकर के हर 7 दिन 8 दिन के बाद इसका अगर छिड़काव करते रहें, तो ये जो है ये फॉल आर्मी वर्म जिसको फा भी बोलते हैं उससे बचा जा सकता है। उसके अलावा क्लोरेंट्रा पिनोल है जो है केमिकल है, या इमामेक्टिन बेंजोएट है, या कई बार कोराजेन है, कई सारी दवाइयां हैं जो नॉर्मली रिकमेंडेड है और इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैविक नियंत्रण के लिए हम जो है फॉल आर्मी वर्म के लिए बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो है वो इंसेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं जो इसके लार्वा को खा किया जाता है, उसको जो है वो ख़त्म कर देता है, एक तरह से कह सकते हैं उसको इन्फेक्शियस कर देता है। तो अल्टीमेटली लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आज के डेट में मक्का की सबसे बड़ी समस्या जो है अगर कीड़ों में बोले तो यही है फॉल आर्मी वर्म। और अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि बीमारियों में, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो लक्षण, ना वैसे तो रस्ट भी आता है मक्का में, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि इसमें रूट स्टॉक जो स्टेम रॉट वाला प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो ये था आज मक्का के बारे में जो किसानों ने जानकारी मांगी थी। मैं इसको एक थोड़ा आप लोगों के सहूलियत के लिए मैं इसको इस तरह से, ताकि आपके प्रश्न सारे कवर हो जाएं, मक्का से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं मक्का के बारे में, तो वो प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। तो मेरे समझ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सही तरीके से जानकारी दे सकूँ। तो किसान भाइयों, मेरा एक विचार भी है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ज़रूर आप इसको लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर लिखा करें, ताकि हमें भी, और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। मेरा ये कहना नहीं, पैसे कमाना ज़्यादा मकसद नहीं होता है, वो चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। मेरा जो मकसद है कि मैं जो बोलता हूँ वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि सब लोगों के पास, मैं अकेला तो नहीं जा सकता, तो अगर मेरी बातें सब लोगों के पास जा सकती है किसी माध्यम से तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9418494333, इस पर आप कॉल करके मुझसे और भी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, धन्यवाद।